उत्तराखंड में आज से उच्च शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जो शिक्षा गतिविधियां हैं उन पर बड़ा असर पड़ा था, जिसके चलते जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। तो उत्तराखंड में आज से उच्च शिक्षण संस्थान खुलने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून के प्रमुख कॉलेज डीएवी, डीबीएस, एसजीआरआर और एमकेपी पीजी कॉलेज में सैनिटाइजेशन समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना के प्रभाव के बीच सख्त नियमों के साथ छात्रों को कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी। प्रदेश के छात्रों को इससे राहत दी गई है। वहीं सभी छात्रों के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र लाना भी जरूरी होगा। हालांकि अभी शुरुआती चरणों में कॉलेज में प्रैक्टिकल की कक्षाएं ही चलाई जाएंगी, थ्योरी कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कई कॉलेज में विभागों को शिफ्टवार और कई कॉलेज में आधे आधे छात्र बुलाए जाएंगे। वहीं तकनीकी कॉलेजों के खुलने की भी तारीख साफ नहीं है। तो उत्तराखंड में आज से उच्च शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो शुरुआती चरण है उसमें केवल कॉलेज में प्रैक्टिकल की कक्षाएं ही चलेंगी, यानी कि जो थ्योरी क्लासेस होंगी उनकी पढ़ाई अभी भी ऑनलाइन ही कराई जाएगी। आपको बता दें कि जब कोरोना काल चरम पर था उस दौरान आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियां पर भी इसका असर पड़ा था। जो शैक्षणिक संस्थान है वो बंद कर दिए गए थे ताकि जो बच्चे हैं, जो स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वो इस महामारी की चपेट में ना आए। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम होता जा रहा है, वैसे वैसे जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तो पहले ही सुचारू रूप से चलने लगी थी, लेकिन अब जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो भी पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में शैक्षणिक संस्थान भी उच्च शैक्षणिक संस्थान है वो भी आज से खुल रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि इस दौरान जो COVID-19 प्रोटोकॉल है उसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। जो कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस जहां पर होंगी वहां पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन साथ ही छात्रों को अपने अभिभावकों का सहमति पत्र लाना भी जरूरी होगा। अगर छात्रों को उनके अभिभावक परमिशन देंगे, अगर उनके पास सहमति पत्र होगा अपने अभिभावकों का, तभी उन्हें कॉलेज में प्रवेश करने दिया जाएगा। लेकिन साथ ही जो राज्य के छात्र हैं, जो उत्तराखंड के छात्र हैं, उन्हें अपनी कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे राज्य के छात्र उत्तराखंड में पढ़ते हैं और वो उत्तराखंड में प्रैक्टिकल क्लासेस लेने के लिए अपने कॉलेज में जाते हैं, तो उन्हें पहले कोरोना रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही जो COVID-19 प्रोटोकॉल का भी यहां पर ध्यान रखा जाएगा। और उम्मीद करेंगे कि जो छात्र हैं वो भी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मास्क और जो 2 गज की दूरी का फॉर्मूला है उसको आम जीवन में अख्तियार करेंगे, तभी इस महामारी के बीच में जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चल सकती हैं।